Hello, fifth standard. Started studying. We started with environment lesson number 4, right? So we finished with the first video, and this will be my second video, in which we will work from page number 37. You can see on page number 37, you have one green color box in which you have to write certain details. Now, what details are those, and about what we have to write, then we have to read. Let us go through. How do food get spoiled? Food kharab kaise hota hai? The whole class can do this experiment together. Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drop of water on it, and put it in a box. Close the box. See the bread or roti every day until you find some changes in it. Make this table on a chart paper and put it in your classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes. See, actually I have done this table, but this was to be taken as self-study. आपको भी ये करना ही चाहिए, क्योंकि ये take it as one activity. Okay? No doubt, I will give you PDF of this also. इसकी भी image आपको दूंगी कि आप directly लिखो. Or else, you can just go through with your experiment. Take one piece of bread, और वो bread के ऊपर थोड़ी सी drops water की रखें, and after that, you close that bread in one box. Okay? So daily, you just open that box and see until आपको कुछ changes दिखाई दे. ओके तो आपको कुछ चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाएगा एक दो दिन के बाद ही. ओके क्योंकि वन बॉक्स में रखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें एयर मूव नहीं होगा, और एयर मूव नहीं होगा तो खाना खराब होगा. ओके सो दिस इज व्हाट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चेंजेस इन ब्रेड और रोटी. सी दीज आर डेज 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 days you have to make, and all these 6 days अलग अलग topics दिए गए हैं. फिर पहले दिन आप bread को touch करोगे तो आपको bread कैसा लगेगा, उसकी smell कैसी आएगी, उसको अगर आप lens में देखोगे तो कैसा लगेगा, और वो color में कैसा होगा. That all thing we have to work on. Okay? Now if I talk about very first, if I talk about beginning, that is first day, by touch, it will be soft. Okay, so soft is written here. By smell, it will have light smell. Smell, that is, पहला दिन है, खराब तो हुआ नहीं होगा, तो obviously अच्छी smell भी होगी उसकी. So here it is written light smell, हल्की हल्की smell आएगी उसमें से. तो उसको अगर हम हाथ वाले जो वो hand lens होता है, उससे देखें, तो it will look normal. Okay, and by color. कलर में भी वो नॉर्मल ही होगा, जैसा कलर होता है ब्रेड का वैसा ही कलर होगा. ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकंड डे, तो सेकंड डे भी उसका जो टच है वो सॉफ्ट ही रहेगा, इट विल बी सॉफ्ट, बट उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, राइट? उसकी जो स्मेल है वो लाइक स्टिंकिंग स्मेल. स्टिंकिंग इज टुगेदर वर्ड, एक्चुअली माय बॉक्स वाज क्वाइट स्मॉल, सो स्टिंक एंड आईएनजी इज रिटन ओवर हियर. लाइक स्टिंकिंग स्मेल, हल्की सी उसमें से कुछ अलग स्मेल आना शुरू हो जाएगा. ओके देन उसका जो, अगर हम उसको लेंस में से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, इट विल बी वेलवेट लाइक वाइट लेयर. वेलवेट एक वी कैन टेल एक ऐसा मटीरियल जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जब आप उसको टच करके देखो इट इज वेरी सॉफ्ट. ओके वेलवेट टच होता है उसका. सो दैट वेलवेट लाइक वाइट लेयर, वो ब्रेड के ऊपर या रोटी के ऊपर एक पतली सी वेलवेट टाइप की एक लेयर सी हो जाएगी, एंड वो जो उसका कलर कैसा होगा, स्लाइटली वाइट, क्योंकि वाइट टाइप की लेयर होगी तो उसका कलर भी थोड़ा वाइट होना शुरू हो जाएगा. नाउ ऑन थर्ड डे में वो ब्रेड या फिर वो जो रोटी है उसके ऊपर मॉइस्ट हो जाएगा, वी कैन टेल वो कुछ ज़्यादा भीगा हुआ लगेगा. ओके एंड सॉफ्ट होगा, वो ऑब्वियसली सॉफ्ट ही रहेगा. अब उसकी स्मेल जो है, इट विल बी स्टिंकिंग स्मेल, बदबू जिसको बोलते हैं, खराब स्मेल. ओके सो स्टिंक.
If you look with hand lens, it will look like velvet like white layer. उसपे तीसरे दिन भी वाइट लेयर जैसा भी दिखेगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वो लेयर, और फिर फाइनली उसका जो कलर है वो कम्प्लीटली वाइट होने लगेगा. ओके, टॉकिंग अबाउट फोर्थ डे, टच उसका फिर से वही भीगा हुआ टच होगा, सॉफ्ट टच होगा, स्मेल उसकी खराब स्मेल ही आएगी. लेकिन उसका जो लेंस से अगर देखने जाए तो हमें उसमें थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर के साथ ग्रीनिश कलर भी दिखाई देगा. ओके, एंड उसका जो कलर है वो ग्रीनिश व्हाइट कलर हो जाएगा. ओके, देन इफ यू गो डाउन ऑन फिफ्थ डे, फिफ्थ डे में वो ब्रेड या रोटी का जो टच है वो भीगा हुआ ही रहेगा, सॉफ्ट रहेगा. इवन इन सिक्स्थ डे आल्सो दीस थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम, कि भीगा हुआ टच रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, और स्टिंकिंग स्मेल भी होगी, उसमें से बदबू सी आना शुरू हो जाएगा. बट इफ आई टॉक अबाउट फिफ्थ डे, तो फिफ्थ डे में उसको अगर लेंस के साथ देखोगे तो इट विल बी ग्रीनिश कलर, वो ग्रीन से कलर का दिखाई देगा, एंड उसका कलर भी ग्रीन ही होगा. एंड व्हेन यू सी इन सिक्स्थ डे, इट विल बी ग्रीनिश ब्लैक, ग्रीन होकर फिर वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, तो उसका कलर भी ग्रीन ब्लैक कलर होगा. ओके, सो आई वांट यू ऑल पीपल टू राइट दिस डाउन. ओके, आई विल जस्ट गिव यू पिक ऑफ दिस बोर्ड आल्सो, सो दैट यू कैन इजीली सी दिस एंड यू कैन नोट इट डाउन इन दिस कॉलम्स, इन दिस बॉक्सेस यू कैन नोट डाउन दिस डिटेल्स. ओके, सेम एग्जैक्टली यू हैव टू राइट, यू कैन राइट इफ यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, you can do experiment. Okay, let's continue next. Find out the reason of these changes. From where did the fungus come on the bread? See, changes ke reason kya hoge, we can tell type of climate, or we can tell weather changes, right? क्योंकि इसी अगर हम ओपन भी रखेंगे कुछ और वेदर होगा, उसको हम एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे कुछ और होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, टेक एग्जांपल ऑफ वेफर्स. ओके, वेफर्स और बिस्किट्स, इफ वी विल कीप बिस्किट्स एंड ऑल इन एयर टाइट बॉक्स, इट विल रिमेन फ्रेश, राइट? बट इफ वी कीप बिस्किट्स फॉर 5-10 मिनट्स ऑल्सो इन ओपन एयर, इट विल बिकम सॉफ्ट टू ब्रेक, वो तोड़ने में बहुत इजी हो जाएंगे, और वो मतलब यू नो वो एकदम इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि खाने को भी अच्छे नहीं लगेंगे. क्यों? क्योंकि वो हवा में जो मॉइस्चर होता है वो बिस्किट्स ऑब्जर्व कर लेंगे. यस और नो? सो दीज आर द थिंग्स वी कैन टेल, वेदर चेंजेस की वजह से भी फूड खराब हो सकते हैं. देन different types of food items spoil due to different reasons. Some food spoils soon, some stay for long. List some season and conditions in which food spoil quickly. See, कई food है जो बहुत जल्दी spoil हो जाते हैं, कई food है जो थोड़े time के बाद spoil होते हैं. तो season wise कौन सा food जल्दी spoil होता है या बाद में, that we have to make a list. Okay? This question we will do it in our notebook. Okay, so I will not make you to write answer of this question. We will do it in our notebook because it contains almost 4 points. Then we will do in our notebook. Okay, everyone, you can mark it to do in notebook. We will do later. Don't worry. Abhi mat karna notebook mein. Hum baad mein karenge. Okay. Okay. Then. Turning to the next page, given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the following. See, milk ko agar ek do din rakhna hai to hum kaise rakh sakte hain? By boiling it. So we have third option over here, boil it. So you can match milk with boil it. Okay, next, cooked rice. See, cooked rice, how we can take care about?
by putting them in bowl and keep the bowl in container with some water. That is your first point. Match your cooked rice with the first point of this right side. Then the next one, green coriander, that is dhaniya, जो सब्जी या दाल वगैरह बनाते हैं तो वो green leaves वाला मम्मी use करते हैं ना, that is coriander. You can see coriander by asking to your mom about it. Now, अगर coriander की बात करें तो wrap in a damp cloth. उसको अगर हम पतले से और एकदम clean cloth में wrap करके रखेंगे तो वो एक दो दिन ज़्यादा अच्छे से रहेगा. Then the next one is onion or garlic. Onion or garlic, garlic that is lahsun. Okay, वो कहाँ रख सकते हैं? That is, we can keep it in open dry place. Last with last option only you have to match. Okay, fine. So next is story about Omidi Tandra that we will do it in our next video. Till this video, see that you finish this writing work importantly. Okay, take care and study well. Thank you.